सो गाइस आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y100 डिवाइस के अंदर आप जो है किसी भी एप्लीकेशंस को हाइड कैसे कर सकते हैं। दैट मींस अगर आप उसको छिपाना चाहते हैं एप्लीकेशंस को तो आसानी के साथ छिपा सकते हैं। इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको फोन के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी एप्स के साथ जाते हैं तो उसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं लॉक के, जैसे कि जेस्चर लॉक लगा सकते हैं, इवन गाइस आप टच लॉक लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे सेटिंग्स का यूज करके एप्लीकेशंस को हाइड करेंगे। अगर लॉक वगैरह करना है तो आप लॉक भी कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि जो एप्लीकेशंस हाइड करती है एप्लीकेशंस को लॉन्चर में हाइड करती है, ये आपको फोन में ही मिल जाता है, तो फोन से ही आप हाइड कर सकते हैं। गाइस एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए हमारे पास यहां पर सबसे पहले ओपन करना होगा फोन सेटिंग्स। सेटिंग्स को आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहां पर आएंगे तो पहली बार डैशबोर्ड पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स आपको मिल जाती है सिक्योरिटी सेटिंग्स। सिक्योरिटी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये जो है जितने भी फोन एंड्रॉइड 11 12 13 पे रन करते हैं ऑलमोस्ट आपको सेम सेटिंग्स सभी फोनों में मिल जाती है। जरूरी नहीं कि आप Vivo के Y100 में ही करें, आप किसी और भी फोन में इस चीज को फॉलो करके आसानी से एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। अब यहां पर आइए, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ये हमारा एक ब्लिंक स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पासवर्ड का सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन हमें दिया गया है ये दूसरा कोई देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करना है। जब यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको 6 डिजिट का यहां पर आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। एक्चुअली पिन होता है, अगर आपको पिन बनाना तो पिन वाले ऑप्शन पे क्रिएट करके बना सकते हो जो भी बनाना है, लेकिन एक ऑप्शन आपको नीचे शो हो रहा होगा पासवर्ड ऑप्शंस का। एक बार अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, जैसे कि अल्फा नंबरिंग पासवर्ड लगा सकते हैं हम। अल्फा नंबरिंग जो लोग नहीं जानते उसमें आप अपने नाम को पासवर्ड बना सकते हैं, एबीसीडी का कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख के आप पासवर्ड बना सकते हैं आसानी से। एंड गाइस नीचे 4 डिजिट पासवर्ड मिलता है, 4 अंकों का पिन भी बना सकते हैं। पैटर्न मिलता है जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है, काफी लोग पैटर्न का ही इस्तेमाल करते हैं और अलग पैटर्न यूज करते हैं, तो पैटर्न अगर यूज करना है तो मुझे भी पैटर्न ही यूज करना है। तो पैटर्न पे मैं आ चुका हूं, जो पासवर्ड या जो पिन या जो पैटर्न आप यूज करेंगे पहली बार उसी को वापस वेरीफाई कर देना। जैसे आप वापस वेरीफाई करते हैं तो यहां पर आएगा एक ऑप्शन लाइक सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला, 2 क्वेश्चन को आंसर देने हैं, आंसर आप रैंडमली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बिकॉज इसको याद करके रखना है। इनकेस अगर अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जब जो चीजें हमने यहां पर रिकवरी पासवर्ड में डाला है उसको वापस एंटर करके हम उसे फॉरगेट कर सकते हैं आसानी से, अदरवाइज आपको अपने फोन को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज में यहां पर एंटर करते समय देख लें क्या चीजें आप एंटर कर रहे हैं। मैं यहां पर एज एग्जांपल अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट टाइप करके इसको डन कर दूंगा। हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आएगा, ऐप हाइडिंग का ऑप्शन आएगा, इसको आप प्रेस करना है। ऐप हाइड भी आ सकता है, जरूरी नहीं आप हाइडिंग का ही आए, इसको ओपन करिए। यहां पर व्यू हिडन एप्स वाला एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना। 2 फिंगर स्वाइप अप करके हम अपने हिडन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, तो उसको हाइड करने के बाद आप जिस एप्लीकेशंस को हाइड करना है इसको क्लिक करिए। अगर ये रिमाइंडर आ रहा है गाइस आपके फोन के अंदर तो इसको बॉक्स को चेक मार करेंगे, ओके करेंगे, वापस ये रिमाइंडर नहीं आएगा आपके पास, और इस तरह से टोटली एप्लीकेशंस को इनेबल कर दीजिए जितना करना है। इसके बाद यहां से बैक आएंगे, व्यू हिडन ऐप्स पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन हमने हाइड करी है उसे आप यहीं से देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन हमने इसको हाइड करी हुई है यहां से। एंड गाइस अगर आपने ऐप ड्रॉवर नहीं लगा के रखा अपने फोन के अंदर तो आप 2 फिंगर को यहां पर आएगा डिस्प्ले में स्वाइप अप करेंगे। जैसे कि मैंने ऐप ड्रॉवर लगा के रखा है इसलिए एप्लीकेशन ओपन हो रही है, लेकिन ऐप ड्रॉवर नहीं रहेगा, 2 फिंगर को स्वाइप अप करेंगे तो आपका ऐप इंक्रिप्शन का पासवर्ड वहां पर मांगेगा जो एप्लीकेशन आपने हाइड करी है। उसको जैसे एंटर करेंगे तो वहां पर भी आपकी हिडन एप्लीकेशन दिख जाती है, तो उसे भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको ऐप ड्रॉवर पर काम नहीं करेगा, स्टैंडर्ड मोड में काम करेगा, तो एक बार ट्राई कर लेना। एंड गाइस आई होप कि समझे होंगे एप्लीकेशन को हाइड करना कैसे है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।